पहले ज़माने में बिल्कुल आइसोलेशन रहा था, ये दुनिया से कट के रहा था, इसलिए यहाँ का कल्चरल रूट जो है ना बहुत ही अच्छा मजबूत था यहाँ पे। तो लोगों के अभी भी लोगों के खून में कल्चरल बसा हुआ है, तो हमने उसी वैल्यूज़ को थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की इसमें, तो वो लोगों को पसंद आ रहा है। मार्केट में जाइए, गांव में जाइए, जहाँ भी जाएंगे तो मॉडर्न, अभी 10-15 साल से जो है लोग पैंट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, मतलब टोटली मॉडर्न ट्रेप पे आया हुआ, तो ट्रेडिशनल जो है देखने को उनको नहीं मिलता है। उनको हम ध्यान में रखते हुए हमने डेलवा के बाद एक कलवा फिल्म बनाया, उसके बाद स्किसुम दुक्सुम बनाया, उसके बाद लजडेल बनाया, तो इसको भी हमने टोटली ट्रेडिशनल में जाके लोगों को क्या पसंद आता है उस हिसाब से हमने देख के बनाया, तो लोगों को डेलवा से अच्छा लगा। यहाँ तक हुआ कि डेलवा जो है लोगों ने अपने कैप पे जो लिख के डेलवा मार्केट में लोग चलने लगे, जैसे कि गाड़ी होगा गाड़ी के पीछे टाइल बोर्ड वगैरह पे डेलवा सेम हर जगह में लिखने लगे थे, लोगों को काफी पसंद आया था वो। तकरीबन हमारा लद्दाख विजन ग्रुप का नाम भी खत्म होने लग गया था उस टाइम पे जब डेलवा हिट हुआ था, तो हम लोगों को लोगों ने पब्लिक ने जो है ना डेलवा ग्रुप के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, डेलवा वाला के नाम से जाना गया हमें। अभी भी तकरीबन 50% लोग जो है ना डेलवा ग्रुप बोलता है हमें। Yang sekali nujuk
हिंदुस्तान के सबसे लास्ट जगह है और सबसे शांति अमन सुकून ये लद्दाख है, लास्ट इंडिया में। यहाँ से आगे आपको कोई हिंदुस्तान नज़र नहीं आएगा, या इधर से जाएगा तो पाकिस्तान नज़र आएगा, यहाँ से जाएगा तो चाइना नज़र आएगा, ये लास्ट इंडिया है। विंटर तो एकदम टफ भी है, मजेदार भी है, इसमें और कुछ मजा ही कुछ और है। ठंड लगता है, लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ गिरने के बाद तो अभी सर्दी आ जाएगा, मगर उसका एक इंतजार भी रहता है। लोग बोलते हैं यार बर्फ गिरे नहीं, कब गिरेगा, जब गिरता है तो उसका भी फिर एक आनंद लेते हैं लोग। यहाँ का सीज़न जो है तकरीबन 5 से 6 महीने का होता है, तो इसी 5-6 महीने के अंदर जो है ना हमें म्यूज़िक बनाना, शूट करना है, मतलब तकरीबन इसी सीज़न में करना होता है। तो सीज़न में लोग बिजी भी होता है, सब अपने अपने काम में जो ना मस्त होता है, किसी को मतलब इधर उधर घूमने का टाइम नहीं होता है। जब सीज़न ख़त्म होने लग जाता है, अक्टूबर नवंबर के बाद सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो लोग जो है ना थोड़ा ढीला हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, घर में बैठने लग जाता है, तो उसी टाइम पे जो ना हम फिल्म लगाते हैं ताकि लोग आके उसको एंटरटेन कर सकें। सीन है लड़का लड़की का मिलन। हाँ जी, और ये जो जैसा मौसम है उसमें, हाँ जी हो जाएगा, अब कोशिश करूँगा। अभी शायद लाइटिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बचपन में क्या करता था, आर्मी का एक वहाँ पर एक सिनेमा हॉल है, वहाँ पर अक्सर वहाँ जो नए फिल्म आते थे वहाँ पर आते थे।
वहाँ से वो जो टेप जो कटे हुए टेप वहाँ से मैं जमा करके ले जाते थे घर पे, तो वहाँ से बच्चों को इकट्ठे करके फिर टॉर्च लगा के रात को मैं दीवार पे ऐसा कुछ शौक बना था मुझे शुरू शुरू में। बहुत ही खुश हो जाती है उसका जब लेटर आता है ना, तो ये इसी में होता है कि आज दरियाए सिंध को मैं अपनी प्रेम कहानी सुनाऊँ, मतलब कि ऐसे फिर ऐसे। तो गाना बहुत चला था ये काफ़ी लेम है ना, वैसे होते बहुत स्लो होते और एक्टिंग भी बहुत ही स्लो होते, फर्स्ट टाइम इतना मतलब फास्ट गाना और इस पर इतना फास्ट डांस हुआ है। अच्छे लगते हैं, रोमांटिक सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, मतलब सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं इतना मैं बहुत डीप जाती हूँ जब पता नहीं चलता है। ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना लता के लोग, तो थोड़ा सा सेंटी जैसे कि दुखी दुखी वो मतलब थोड़ा सा होना चाहिए इसमें। तो इस फिल्म में है जो अभी शूटिंग चल रही है, तो हाँ आंसू ही आंसू है। कभी ओरिजिनल मतलब आंसू आ जाते बीच में, थोड़ा सा करते हैं ना तो मतलब आंसू भी आते, जब आंसू नहीं आते तो ग्लिसरीन डालते। तुम्हें नौरजम ज़्यादा पसंद है कि माधुरी दीक्षित काजोल? अब मुझे नौरजम है मैम जी। चाहिए मुझे काजोल ना, जो शरारती करते ना उसमें बहुत क्यूट से लगते हैं मुझे। यहाँ पे ऐसा कोई रोल मिला तुम्हें? नहीं। कैसा रोल मिलता है तुम्हें? जो भी फेस एक्सप्रेशन ज़्यादा देना पड़ता है मुझे ना, ऐसे सैड सॉन्ग जो ऐसे लाइक करते हैं मुझे।
ज्यादातर वही मिलते मुझे। पता नहीं लगा कि लोगों को रोना ज्यादा पसंद आते हैं। जो भी रो के जाए हाँ ये फिल्म तो हिट ही होगा। लद्दाख में नहीं, कोई भी नहीं है लद्दाख में, मुझे नहीं लगते ना, मुझे डॉन के ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। ऐसे इनके आंखें बड़े बड़े होते हैं ना, नाव भी बड़े बड़े होते हैं, हमारे तो छोटे छोटे होते हैं ना, इस दिन मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। बॉम्बे जाना चाहोगे एक्टिंग करने? ज़रूर, क्या बात कर रहे हो, सबने भी नहीं सोच सकते थे। जहाँ पे मैं गाना लिखने निकालता हूँ तो शुरू शुरू में थोड़ा रोमांटिक जैसा आ जाता है, बाद में एकदम सैड सॉन्ग के वहाँ खींचा के ले जाता है।